होप के आप लोगों को यू नो ब्रेक जो थी आपने उसके अंदर जल्दी जल्दी सब काम कर लिए, क्योंकि अब बहुत हम एक्साइटिंग गेम करना चाह रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरी कुर्सी पर कब्जा हो गया, सब छोड़ो यार, आई वांट टू प्रोटेस्ट। खबर नहीं हुआ रावे ने कहा कि भाई ये खातून, मैं सोचती हूँ इस बेचारे नेक आदमी के साथ क्या क्या करती होगी। क्या मतलब है यार, बेचारा देखो साइलेंट, वो बेचारा इसी तरह स्माइल स्माइल करते रहते हैं ना। अच्छा मुझे ये बताएं, पहले तो थोड़े से हम आपको जरा वार्म अप करते हैं ना, बिकॉज मुझे लग रहा है उबेद थोड़े से टेंशन में है। तो उबेद सबसे पहले मुझे ये बताएं कि राबिया खाना कैसा बनाती है। खाना बहुत मजेदार बनाती है, नो डाउट, क्योंकि हम जब नहीं नहीं दुबई में जब हम रहते थे, तो जब मैं घर आता तो ये मतलब मेरे लिए कोई दो बंदों का खाना बनाती थी और मुझे पूरा खाना होता था, तो मैंने काफी वेट गेन भी किया था दुबई में शादी के बाद। वो तो खुशी से भी आधा आधा हो जाता है ना, फूल जाते हैं। बहुत ग्रैंड मील्स बनाकर मैं तो खिलाती थी, तो मैं थोड़ी देर में सो जाता था, फिर मैं से लड़ती थी कि तुम सोए क्यों, तो कहते थे मुझे इतने चावल खिलाओगी तो नींद तो आएगी। ऐसा तो होता है। अच्छा मुझे बताएं कि राबिया की कौन सी ऐसी खूबियां हैं, क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको पसंद हैं। आई थिंक सबसे अच्छी बात इसकी है कि राबिया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये मतलब वो बात नहीं कि कोई दिल में रखती है बात, जो है बोल देती है, तो उससे जो भी चीज़ें आपकी क्लियर रहती है, आप मतलब कंफ्यूज नहीं रहते, आप कंफ्यूज हस्बैंड नहीं है, आपको पता होता है कि किस बात पे नाराज है। एग्जैक्टली, और वैसे नो डाउट शी इज़ वेरी केयरिंग और लिटरली मतलब हर चीज़ का ख्याल करती है। मतलब एक आपको जो आइडियल वाइफ चाहिए होती है वो सारी क्वालिटीज़ है। यार मैं चेक कर रहा हूं कहीं हाथ तो नहीं रखा हुआ, कहीं हाथ तो नहीं रखा हुआ। पैसे हाथ है तो राबिया के हाथ हर अच्छे जो आपका 2000। अच्छा मुझे बताएं राबिया को शॉपिंग का कितना शौक है, खर्चा कराती है। शॉपिंग का शौक है, लेकिन अच्छा है कि मैं साथ नहीं जाता हूँ, ये खुद ही करती है शॉपिंग की। मुझे बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट, ये खुद ही शॉपिंग करती है, क्योंकि जो मॉल्स में घूमना और ये सब मुझे। हमारा खर्चों का जो एक वो डिसाइड हुआ है, वो बताओ ना कि आप कौन से खर्चे करते हो, मैं कौन से करती हूँ। हाँ हमारे मतलब ये भी डिसाइड है, क्योंकि इस तरह की जो भी चीजें हैं जहाँ पे लेजर एसेंशियल एंड लेजर, सो आई एम डूइंग ऑल द एसेंशियल्स एंड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम एसेंशियल लेजर एक्टिविटीज के लिए, ग्रोसरी, बिजली के बिल, गैस का बिल, फोन का बिल, ये जितने एसेंशियल्स है ना जिंदगी के, बच्चे की स्कूल की फीस, वो सब उबेद कर, सब उबेद, और जितना भी इस रेस्टोरेंट में खाना खाना है, शॉपिंग करनी है, घूमने जाना है, तो दैट्स ऑन मी। I think that's a great partnership. Yes. I think that's a भाई कुछ सीखो, नोट लो। उस बेचारे की शादी नहीं हुई भी, क्या सीखेगा वो? मैं ये कह रही हूं कि मतलब यू नो आजा जिंदगी फ्यूचर के लिए पहले से सेटिंग कर दो। अच्छा मुझे बताएं कि आपका राबिया के अलावा कौन सी और किस किस से रिश्ता रहा है? जी नहीं जी, रमजान ट्रांसमिशन है, स्टार्ट किया आपका राबिया के अलावा। नहीं, राबिया के अलावा आपको कौन सी होस्ट और पसंद है? ओ चले राबिया के अलावा होस्ट, राबिया तो होस्ट पसंद है आप ये कह रही मुझे। राबिया होस्ट छोड़ के ना आप और का नाम मैं एज अ होस्ट पसंद हूं, ये भी तो क्वेश्चन है, ये भी तो एक सवाल है। वैसे पसंद है एज अ होस्ट, क्या ये आपके साथ करती हैं इस तरह की सवाल जवाब सीट टाइप के क्वेश्चंस घर पर? नहीं वो तो इसका जर्नलिस्ट होता है वैसे, हर वक्त लगा रहता है, जब भी क्वेश्चंस उसके रहते हैं। कितने बजे आ रहे हो, ये क्या टाइम है, कितने सब चल रहा होता है। हाँ, but who's your favorite host? I also want to know. It's a good question. है ना? कोई तो होगा। अब सोच के बोलिए आप। अच्छा पाकिस्तान के बाहर से भी? हाँ। I think Sami was a very good host. Sami Khan, yeah. Sami Khan. He really liked. I really liked his personality. बड़ा एक calm type की personality है। रमजान with me. हाँ, राबिया के साथ। Sami भाई, क्या बात है भाई? चलो जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि राबिया यू नो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमने इनको एक दो दफ़ा काफ़ी सीरियस किस्म का इमोशनल होके रोता धोता देखा है। इनका मेकअप भी बेश है गया था फिर मेकअप वाले ब्रेक में मेंटल हो रहे थे। क्या ये वाकई में एक इमोशनल खातून है? नहीं आई थिंक कि ऐसा है राबिया का, अगर कितनी इमोशनल है, इमोशनल तो काफी है, नो डाउट इसको जो है गुस्सा और रोना जो है इसका बहुत ज्यादा। नहीं मैं गुस्से में भी रोती हूं, लाइक इफ आई एम एंग्री आई कैन नॉट स्पीक टू, लाइक इफ आई गेट एंग्री ऑन जलाल तो मैं जलाल से बात नहीं कर पाऊंगी, मैं रोते हुए बात। तो मैंने देखा है आपको एक दो दफा। मैं बोल रही हूँ ना कि मतलब कि तो घर पे तो आप उधर ही माफी मांग लेते हो कि नहीं 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 नहीं। So me and Ubaid we don't fight. अल्लाह ऐसे ही रखे in touch wood. पर हमारी पर्सनल चीज पे कभी लड़ाई नहीं हुई। ये हो सकता है कि उस तीसरे इंसान ने कुछ कहा या चौथे बंदे के उस पे हमारा कुछ वो हो गया,
बट मेरी और उबैद की जाती कोई जैसे होता है ना, और मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह सब मियाँ बीवियों को ऐसा रखे, आमीन, आमीन। लेकिन मेरा और उबैद का ये नहीं होता कि हम उबैद कुछ कहें और मैं बिल्कुल ही कोई डिफरेंट कहानी हो मेरी। सो वी आर वेरी ऑन द सेम पेज ऑलमोस्ट हर चीज पे। तो एक लास्ट, आपके सामने किस चीज पर रोई है? आप कहेंगे कल रात नहीं, दो चार दिन पहले। किस बात पे रोई? मुझे भूख लगी। I think इसे भूख भूख का जो है। Actually मुझे भूख लग रही थी। मैं इसे लेके जा रहा था तो उसमें इसको जना इसकी। मुझे इतनी भूख लग रही थी and I wanted to eat कुछ घर का खाना और बस मुझे इस बात पे रोना आ गया कि मुझे खाना खाना है। So मैं से बाहर लोग रोते थे, मैंने कहा मैं कहीं खिला देता हूं। और Ubay wanted me to eat something बाहर का, मैं गई थी मुझे नहीं खाना है और मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मैं रोना शुरू हो गई। हैंग्री वाला वर्ड है ना, हैंग्री हो गई। एवरीवन जो कहता है कि इस लड़की को इतना रोना आता है, रेटिंग के लिए रोती है, तो प्लीज बता दो कि मैं रेटिंग के लिए घर में भी रोती हूं, खाने के लिए भी रोती हैं। और दसो, खाने के लिए भी खातून रो जाती हैं। एंड आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन एज वेल, माशाल्लाह। मैं बहुत खुश भी रहती हूं और आपको अल्लाह हमेशा इसी तरह खुश रखे, आमीन। अच्छा, अगला मेरा, अब राबिया की तरफ हम तोपों के मुंह करते हैं, ठीक है? पहले वाले सवालों के मैंने अच्छा, उबैद, आप राबिया, आप मुझे उबैद के बारे में बताएंगे कि उनकी आपको कौन सी आदतें बहुत पसंद है? सबसे अच्छी आदत ये दैट ही इज एक्सट्रीमली हम्बल। मैंने कभी उबैद को शो ऑफ करते नहीं देखा, एंड नॉट लाइक के एक होता है ना बंदा बाहर किसी के सामने कुछ है अंदर कुछ है, उबैद हैज नेवर डन शो ऑफ। और मैं क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री से थी, यहाँ तो हम इर्द गिर्द सबको ही देखते हैं कि सब शोते बने होते हैं। सो व्हेन आई मेट उबैद एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट हिम, ही वाज एक्सट्रीमली हम्बल और मुझे लगा कि यार ये फिट बंदा है। और इवन के उबैद भाई, सेल्फिश, सबसे बड़ी आपकी बैक ऑफ द स्क्रीन जो है ना, हमेशा यही वर्ड सेम जो है ना, इन्होंने राबिया ने आपके लिए 10 दफा जो है ना अदा किया। नहीं बोलती है ये, वाकई में हमें भी बता चुके हैं कि मैंने चुटकी नहीं मारी, मैं बता अभी नहीं मारी मारने वाले। तो मेरी चेकलिस्ट में जब मुझे था कि मैं शादी करूंगी, तो मेरी चेकलिस्ट में आई थिंक दिस वाज नंबर 1 दैट आई वांटेड समवन हु इज नॉट सेल्फिश एंड हु इज वेरी हम्बल, और उबैद एग्जैक्टली वैसे ही। अच्छा, मुझे बताएं कि उबैद आपके लिए राबिया कितना वक्त निकालते हैं और क्या निकालते हैं? इनफ वक्त? आर यू हैप्पी विद द टाइम? जी जी बिल्कुल। इवन इफ वी लाइक वाचिंग नेटफ्लिक्स और डूइंग फोन, तब भी हम साथ होते हैं। सो इट्स लाइक उबैद वीकेंड में शायद एक दफा अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, एक आध दफा, एंड दैट इज इट। लेकिन उबैद और मैं हमेशा साथ ही होते हैं, हमारे दोस्त भी एक ही हैं, जो कजन उबैद के हैं वो मेरे दोस्त बन गए हैं। सो वी आर लाइक हैंगिंग आउट टुगेदर, हम खाना नया एक्सप्लोर साथ में करते हैं। और अगर खाना बुरा हो तो क्या रिएक्शन देते हैं उबैद? अगर बाहर का कहीं का खाना बुरा हो, और अगर घर का, बाहर का कहीं का भी खाना? नहीं, घर के खाने में तो उबैद बहुत सब्र शुक्र से खा लेता है। मेरी जो मदर इन लॉ है वो ही कुकिंग करती है मोस्टली, और उबैद बहुत सुकून से खा लेता है। उबैद के घर में आई थिंक कोई भी मर्द, मेरे ससुर, उबैद और या मेरा देवर खाने पे नखरे नहीं करते, जैसे That's मेरे घर nice. वाले हैं। जैसे मेरे जो वालिद साहब हैं वो बहुत, ही इज़ वेरी चूजी कि क्या खाना है। चाट मसाला भी नहीं होगा दस्तरखान पे तो माय फादर गेट्स रियली अपसेट कि भाई चाट मसाला नहीं रखा। तो मेरे ससुर को तो खिलाते रहें दही के ऊपर शहद डाल के, ही वुड बी शुक्र अदा करके अल्लाह का खाते हैं। उबैद इज द सेम, आई थिंक हैज ब्रॉट अप भी है। आई हैव सीन माय फादर बीइंग सो हंबल, एंड मेरी अम्मी वैसे कुक तो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि बुरे खाने बनाते रहो, सब्र करें, लेकिन जो है नखरे वाले लोग नहीं है बिल्कुल। तो यस, इजी गोइंग, यस, दैट्स नाइस, इट्स इजी टू सेटल इनटू सच अ फैमिली। बाहर के लिए हम बहुत चूजी हैं भाई, बाहर के लिए हम चूजी हैं, बाहर खाते हैं खाना। और हमें कोई रेस्टोरेंट का एक रिव्यू होता है हमारा प्रॉपर, जो कि खाना खाने के बाद हम लोग देते हैं शेफ को भी। शेफ को भी बुला के रिव्यू देते हैं। तो मतलब आप अभी इस वाली हॉलीडे पे भी यही करेंगे ना? करेंगे, अब तो अभी उम्रे वाली हॉलीडे, उम्रे वाली हॉलीडे पे भी तो मतलब खाना रियली नाइस फूड देयर, यस। अच्छा, सो अच्छा ओके, कौन सी आपकी ऐसी आदत है जो कि आपको पता है कि उसको इरिटेट करती है उबैद को? उबैद को इरिटेट करती है मेरी आदत, गुस्सा करने को कुछ नहीं होता तो हम दूसरे को कहते हैं फोन तो रख दो यार, और वरना हम दोनों फोन पे एक एक घंटा लगे रहेंगे और हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मेरा कुछ खत्म हो गया है और वो बैद यूज करे तो मैं इसको डांटती हूँ और ये मुझे डांटता है। बस ये यही है बस। आप दोनों में से सबसे ज्यादा जोक्स कौन क्रैक करता है एक दूसरे के साथ? उबैद करता, उबैद, यस,
आपको बताती हूँ ये और इनके कजिन है, उनका नाम शहरयार है, शहरी है, हमारे से उम्र पे भी जा रहे हैं. तो मैं शादी के बाद शादी से पहले हमारी बात पक्की हो गई थी, तो हम जो डेट मारते थे वो शहरयार के होते हुए मारते थे, एक ना शराई डेट. सो शहरी एक दिन, अब बिल्कुल आई थिंक निकाह से एक डेढ़ महीना पहले, मुझे शहरी और ये कहते हैं कि यार हमने सुना है तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो, तो एक गाना हमें सुना दो, तो हम भी तुम्हें गाना सुनाएंगे. तो मैंने पहले तो कहा नहीं नहीं नहीं, मैं शर्माती रही. उसके बाद अच्छा ये दोनों आगे बैठे हुए थे, मैं पीछे बैठी थी. सो दोनों मुझे पीछे मुड़ मुड़ के कह रहे हैं यार सुना दो गाना सुना दो, हम भी गाना सुनाएंगे, तुम्हारी वीडियो भी देखिए गाना गाते हुए. सो मैंने ना बड़ी भोंडी सी आवाज़ में छोटा सा गाना सुना दिया. तो मैंने जब सुना दिया, उन्होंने कहा यार ज़बरदस्त यार, वेरी गुड सिंगिंग. मैंने कहा तुम गाना सुनाओ. तो इन्होंने गाना प्ले किया और आवाज़ बढ़ा के कहते सुनो. एंड आई वॉज लाइक वॉट. तो ये मेरी जिंदगी, ये शादी से पहले से ऐसा होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है. ज़बरदस्त. आप लोग कौन से जॉनर ऑफ मूवीज इकट्ठे देखना पसंद करते हो? Everything. I think वैसे documentaries are something that I love, जो true stories होती हैं, real life. No, not documentaries, movies जो true stories पर बनी हैं. मतलब suspense हम बहुत पसंद है हमें देखना. Thriller, जो मारम धाड़ है वो ये अकेले देखता, मैं सो जाती हूँ. Romantic में मैं जगती हूँ, ये सो जाता है. जबरदस्त. Suspense and thrillers हम साथ में देखते हैं. अच्छा अब मेरे पास एक game है. Okay. और उसके लिए मैं चाहती हूँ राबिया कि आप ऑपोजिट साइड पे और ये बोर्ड मैं वहाँ चली जाऊँ. आप वहाँ चली जाएं क्योंकि आप मुझे लगता है फीलिंग है. एक बोर्ड राबिया को दे, एक बोर्ड जलाल को बैठ के पास बिठा. हाँ ना, ये कर लेते. जलाल तुम अब मतलब साथी बन जाओ बैठ. बल्कि मुझे भी राबिया के बराबर में होना चाहिए. पता चले अपने जवाब ना चेंज कर रही. नहीं नहीं, मैं बताऊं आपको, आप कुर्सी ना छोड़ें. चेकिंग चेक कर आप राबिया जो है ना फॉर्म में आ जाएंगी. मैं बताऊं जी? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं. अच्छा जी, मैं राबिया के साथ आती हूँ यहाँ पे. आप क्या करना है इसमें? हमें आपने आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगी एक दूसरे के बारे में, जिस मगर अगर मैं आपके बारे में पूछ रही हूँ तो आप अपना जवाब लिखेंगी और उबैद भी लिखेंगे. बट बताएंगे नहीं. सही, बताएंगे नहीं, मुंह से नहीं बोलना है. ओके. मैं और जलाल बराबर. अगर हम इसमें जीत गए तो क्या मिलेगा हमें? आप दोनों को एक बहुत रोमांटिक में डिनर. डिनर अपने मशहूरी भी कर दो अपने रेस्टोरेंट की, वरना बुलाऊंगी नायरॉक पे. जलाल तुम कहाँ बुलाओगे? जार्डन एंड नायरॉक का डिनर मुफ्त में मिलेगा. और क्या चाहिए? और इसमें कोई जीतने वाला तो गेम नहीं ना, मतलब सिर्फ जवाब देने पे जाना है. जीतना है, जीतना है, जीतना है. वी हैव टू मैच द आंसर्स. ओके, उबैद और राबिया दोनों लिखिए. राबिया का फेवरेट कलर क्या है? इतना बड़ा लिख रही हूँ, सब लोगों को भी दिखे ना, और स्पेलिंग गलत ना हो जाए. Okay. भाई चीटर? अच्छा नहीं जी. और मैं उसकी तरफ ही देख रही हूं उस लोगों को. तो वो सामने बैठे. मैं गलत नहीं बताना है, इज्जत रख लेना यार. फ्लिप फ्लिप. ओके फ्लिप. कैमरा फ्लिप. करो 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 उबैद, करो चेंज करो. नहीं उबैद, करो फ्लिप करो. वो देखो, मुझे पता था, मुझे पता था आदमियों को कुछ नहीं पता होता. और आज ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है. अरे कलर का सिर्फ नहीं पता कि बहुत सारे कलर्स पसंद होते हैं ना. हां इस वक्त जीरो. शेम ऑन यू. इनकी लड़ाई करवा के भेजी पप्पे को. ठीक, चलो चलो आगे आगे. अच्छा जी, अब राबिया आप बताइए कि उबैद का फेवरेट कलर क्या है? इट्स अ फनी थिंग बट या चलें लिखिए. Did you not write? Oh, sorry. Sorry. Did you write? आपने क्या लिखा? Blue. यहाँ पे राबिया अनम ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लिखा है ऑरेंज. उबैद ऑलवेज टेल्स मी ऑरेंज इज माय. Did you not? उबैद भाई ने लिखते हुए कहा कि आपको पता होगा. No, blue is like every man's favorite color, but ये मुझे हमेशा से कहते थे I love orange color a lot. ये देखिए, ये शायद वो मेरे लिए पसंद हो. अब 0-0 हो गया. 0-0. आप दोनों 0-0. You guys are playing on me. Guys are playing against each other. अच्छा, अब उबैद आप बताएंगे कि राबिया का फेवरेट फूड आइटम, मतलब खाने में इनको खाना खाना. ये तो पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए. उबैद तुम्हें ना पता हुआ तो ये जो पीछे पूल बना हुआ है इसमें एक डुबकी लगा. हम क्यों पे उतर आए? Did you write it? लिख लिया. बिरयानी. जबरदस्त.
बस पहला सही जवाब, शुक्र फॉर बिरयानी। उबैद को एक नंबर मिला, एक नंबर उबैद का, एक पॉइंट। ठीक है राबिया, उबैद का फेवरेट खाना क्या है? इजी। असल में इस गेम में जो चैलेंज है वो है स्पेलिंग्स आना, अगर गलत नहीं नहीं मेरी अच्छी हूँ, उबैद की गलत है। मुझे लग नहीं रहा। ओ यस। खाने पे हम सेम जोन में, कलर भी खैर है। वन ऑल क्या बात है। अच्छा विच, और जिनको नहीं समझ आ रहा है, ये हमने लिखा था स्पेगेटी। हाँ, हम पढ़ के भी सुना देना। स्पेगेटी पसंद है, राबिया को बिरयानी पसंद है। ठीक है, और इनको ब्लेक्स कलर पसंद है और उनको ब्लू पसंद, ब्लू एंड ब्लेक्स, ब्लू एंड ब्लेक्स। ठीक है, ओके। अच्छा जी, मुझे बताएं कि राबिया, अब आपसे सब आपसे मैंने कर लिया है उबैद का ना, अब उबैद नहीं, राबिया ना लास्ट फूड। हाँ, उबैद से पूछना है मेरे बारे में। उबैद, राबिया अपने पैसे कहाँ छुपाती हैं? लिखे लिखे शुक्र है कहीं ऐसी ऐसी जगह छुपाती है। लिखे लिखे उबैद, आपको पता है छुपाती नहीं हूँ। अच्छा चलो, तुम्हें लगता है तुम बचा रही हो, सारी बीवियां ये कहती हैं कि बचा रही हूँ। कहाँ छुपाती हैं? हाँ, घर में अगर कोई मतलब आपके पास पैसे एक्स्ट्रा होते हैं, कहाँ रखते हैं आप? तो यार ये तो नहीं बताना चाहिए ना, लोग देख रहे हैं जो हमारे घरों में काम करते हैं। रिलैक्स, सबको पता होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, घर में जितने भी अफराद हैं सबको पता होगा आपने अपनी कि कहाँ कहाँ, सारी जगहों के नाम तो नहीं लिख रहे आप? नहीं नहीं और आज से ये जगह बदल जाएगी क्योंकि अब ये एक्सपोज हो चुकी है। अरे इस बेचारे को पता नहीं शरीफ आदमी है, तुम्हें पता था? बैंक लग रहा था कि बैंक में पैसे छुपाए थे हमेशा। अलमारी में कपड़ों के नीचे नोट। तुमने कभी चेक नहीं किया? उबैद भाग के घर में मेरे कपड़ों के नीचे छुपाए हुए हैं। एक्चुअली उबैद के कपड़ों के नीचे। अच्छा, ऐसे तो मैं तो एंटी कैश हूँ, मैं कैश नहीं रखती अपने पास, लेकिन अगर कभी ऐसे मेरे पास पड़े हो पैसे तो मैं कपड़ों के नीचे रख देती हूँ कि यार क्योंकि आज से नहीं रखेंगी। आप नहीं रखोगे? एड्रेस भी पूछ लो बहन, ये भी पूछ लो, कमरा किस फ्लोर पे है घर में? अलमारी दाएं हाथ पे है या बाएं हाथ पे है? उसके पास ईदी नहीं है, वो आ जाए मेरे घर ईदी लेने। हाँ जी। अच्छा, अब आप राबिया, हमने आप सॉरी अभी मैंने किससे सवाल किया था? उबैद से पूछा था। राबिया, उबैद को कौन सा स्पोर्ट देखना बहुत पसंद है? वाओ, मेरे लिए मुश्किल सवाल हो गया। बोले मेरे अपने लिए मुश्किल सवाल है। वेट, कोई भी नहीं, मुंह से बोल दिया है नहीं। ठीक है, आई विल गिव यू दिस। उबैद हेट्स वाचिंग स्पोर्ट्स। आई कुडंट राइट एनीथिंग। राबिया के दो पॉइंट हो गए, आपका एक पॉइंट हो गया। बाय द वे, मेरे लिए मतलब ये बहुत बड़ा शॉक था जब मुझे पता चला कि उबैद को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स देखने। देखने में नहीं, खेलने ज्यादा अच्छा लगता है, देखना मुझे बहुत ज्यादा है। खेलना पसंद है? खेलना पसंद, देखना पसंद नहीं। ठीक है, उबैद, राबिया को कौन सा स्पोर्ट पसंद है? ओह, ही नोस दिस। Should I write as well? Yes, of course, Rabia. That's how this game is played. मैं उर्दू पे आ गई हूँ। Same. Yes. I love cricket. मैं तो मतलब वो वाली cricket fan हूँ कि मैं जो हुजूम लगता है वहाँ जाके देखती हूँ। Cricket. और बताएं भाई। अब वैसे पासवर्ड पूछ लेते हैं। ATM कार्ड का पासवर्ड बताइए। और फिर ले भी लो ATM कार्ड, बस यही रह गया। लेकिन यार हमें काफी पता है अब एक दूसरे के बारे में। यू गाइस आर आई एम हैप्पी। कलर पे आप लोगों ने मार खा ली जी। और अच्छा है कि आपको पैसों का नहीं पता था, कभी भी हस्बैंड को नहीं पता होना चाहिए। हम डिनर जीत रहे हैं। हां, डिनर अभी तक आप और फोकस करके इसीलिए हम खेल रहे हैं। सीन ऑन है। अच्छा, फेवरेट मूवी क्या है राबिया की? ऑल टाइम फेवरेट मूवी। यू डोंट रिमेम्बर द नेम? मुझे वो उसका वो डायलॉग याद है, लेकिन नाम डायलॉग बता दो। आप मैं नाम लिखे और तुम डायलॉग बताओ। तुम एक्ट्रेस भी बता सकते हो। हाँ, हम गेस कर लेंगे। But if you don't know this, तो मैं पीछे वाले समंदर में तुम्हें फेंक दूंगी। और जलाल को भी। तुम्हारी फेवरेट मूवी। अच्छा नहीं, बताओ बताओ। अबे बताओ, डरो नहीं, डरो नहीं दोस्त, कोई टेंशन नहीं है। अब डायलॉग बता दे। डायलॉग बता दो या हीरो हीरोइन का नाम लिख दो। हाँ, हीरो हीरोइन का नाम बता दो। मुंह से बता दो, उसने लिख दिया अपना जवाब। शाहिद कपूर एंड रमजान ट्रांसमिशन में मूवीज की बातें, लाहौर वाले कैसी होस्ट है यार। यार ऐसे हो जाता है, देखें करना पड़ता है। अच्छा जी, और अच्छा जी, वी आर विनिंग, यू गाइस आर स्टिल डूइंग गुड।
ओके उबैद आप बताएं कि अगर आपको अपनी बेगम को सॉरी उबैद से क्या था राबिया आप बताएं कि अगर आपको अपने हस्बैंड को अपने हस्बैंड को कोई देना हो अच्छा सा गिफ्ट जी तो इनका फेवरेट गिफ्ट आइटम रिसीव करने के लिए अभी राइट नाउ आजकल किस चीज का जुनून है ही नोज एंड आई नो यार इतनी तुम लोग बातें करते हो बहुत हम बहुत बातें करते हैं हम सिर्फ बातें करते रहते हैं क्या बात है रेडी हां से एप्पल वॉच यार एप्पल वाले लोग अगर देख रहे हो सो आई थिंक मेरा ऑफिशियल पहला गिफ्ट भी उबैद को एप्पल वॉच ही था निकाह पे और मुझे कुछ समझ नहीं आया था अच्छा अब हमें किचन मास्टर पे जाना है जल्दी से आखिरी दूसरे आखिरी आखिरी सवाल करें ओके ओके आप मुझे बताएं कि आप किचन मास्टर पे जाएं आप दोनों का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है जल्दी से राइट नाउ अपना राइट नाउ वाला राइट नाउ आई डोंट नो हॉलीडे और व्हाट बट आई जस्ट रियली कांट वेट गोइंग देयर क्या बात है क्या बात इंशाल्लाह जबरदस्त और आप दोनों को मुबारक हो आप लोग जीत गए हैं मेरी और जलाल की जानिब से नायरॉक एंड जार्डन पे एक एक डिनर जी हाँ कितने लोगों को ला सकते हैं हमने कहा था रोमांटिक डिनर मैं रोमांटिक बना लूंगी दो और भी कपल्स को ले आऊंगी वो अपना रोमांस कर लेंगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वेरी वंडरफुल होस्ट और सो मच आप ही अनुभव चुप कर आ सकती हैं और किसी में तप्पड़ नहीं है राबिया नहीं रह सकती आपकी जोड़ी सलामत चलो चारों उठो और अब मैं वापस होस्ट बन गई